हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम राइड्स। मैं हूं लवप्रीत। आज हम बुलेट सीरीज़ की जो टॉप वेरिएंट ब्लैक गोल्ड है उसका रिव्यू करने वाले हैं, उसके प्राइस का रिव्यू करने वाले हैं, क्या ये CST आर्मी कैंटीन में अवेलेबल है उसकी बात करने वाले हैं, और इस बाइक को लेने का क्या फ़ायदा है, वो सारी आज बातें करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आज बात करते हैं इसके बुलेट सीरीज़ के टॉप मॉडल के बारे में। तो फ्रंट से हम शुरू करेंगे। फ्रंट की बात करें तो आपको 190 का 19 इंच का आपको टायर मिलने वाला है। इसमें आपको जो व्हील है पूरा ब्लैक कलर में मिलेगा। टायर आपको दो कंपनी में मिलने वाला है, सीएट और MRF। टायर जो है आपको इसका ट्यूब वाला मिलेगा, ट्यूबलेस नहीं मिलता है दोस्तों इसमें। कैलिपर की बात करें तो आपको बाइब्री के ब्रेक्स कैलिपर मिलने वाले हैं। फ्रंट डिस्क जो है आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क मिलने वाली है दोस्तों। डुअल चैनल ABS बाइक है ये। सस्पेंशन आपको क्रोम में मिलेंगे। ये रिफ्लेक्टर जो आपको सस्पेंशन में मिलेगा दोनों साइड ही मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको जो इसका मडगार्ड है वो आपको मैट कलर में मिलने वाला है, आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ये देखिए। और मेटल का मडगार्ड मिलेगा आपको। बात करें अगर शॉकर कवर्स की, वो भी आपको मैट कलर में मिलेंगे, ब्लैक कलर में, मैट कलर में। और हेडलाइट बात करें, हेडलाइट आपको स्टाइलिश मिलेगी इसमें टॉप मॉडल के कारण। आपको इसमें कैप जो है हेडलाइट का वो भी मिल जाएगा साथ में। यहाँ से आपको हेडलाइट की मैं लुक भी चेक करवा देता हूँ। और बात करें अगर मीटर केस आपको मैट कलर में मिलेगा, ब्लैक कलर में मिलेगा। मतलब पहली बाइक है जो बुलेट सीरीज़ में आपको मैट कलर में मिलने वाली है। मैट और ग्लॉसी दोनों कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। आज तक कभी भी कोई बुलेट मैट कलर में नहीं आया है दोस्तों। और बहुत ही सुंदर लुक है इसका। इसकी मैं फ्यूल टैंक का भी आपको अभी चेक करवाऊंगा थोड़े टाइम में। तो यहाँ पर आपको पायलट लैंप मिल जाती है दोस्तों। फिर हम बात करें इंडिकेटर्स, तो आपको यहाँ पर क्रोम एंडिंग के साथ हैलोजन बल्ब्स और ऑरेंज लाइन्स के बाद आपको इंडिकेटर मिलने वाला है। इंडिकेटर का साइज आगे से थोड़ा सा छोटा है, लगभग क्लासिक की तरह ही है। और बात करें अगर हम इसके हैंडल की, तो वो हैंडल आपको क्रोम में मिलने वाला है। हैंडल हालांकि आपको ब्लैक कलर में नहीं मिलता, ना लीवर आपको ब्लैक कलर मिलेंगे। ब्रेक लीवर क्लच लीवर जो हैं आपको एल्यूमिनियम सिल्वर कलर में मिलने वाले हैं। स्विचेस कंट्रोल की बात करें तो रोटरी स्विचेस आपको इस बाइक में मिलने वाली हैं। आपको पासिंग की स्विच मिलेगी, आपको यहाँ पर आई बटन मिल जाएगा जिससे आपको डिजिटल मीटर जो है इसका उसकी फंक्शन सेटिंग करने के लिए, टाइम सर्विस की को हटाने के लिए, मतलब बहुत सारे फंक्शन जिनके लिए ये यूज़ आता है। उसके बाद आपको यहाँ पर USB का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हॉर्न स्विच मिल जाएगी। अब राइट साइड में जाएँ तो राइट साइड में आप यहाँ पर रोटरी सीजिए सेल्फ स्विच मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आपको हैजल लाइट की ऑप्शन मिलने वाली है। हैजल लाइट ऑप्शन मतलब चारों इंडिकेटर जो है इसके एक साथ चलते हैं। और यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक्स का ऑयल मिल जाएगा दोस्तों। मिरर्स आपको ब्लैक कलर में मिलने वाले हैं इस बाइक के। आपको DG एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है आपको। यहाँ पर आपको ऊपर जो है एनालॉग मीटर मिलेगा। यहाँ पर न्यूट्रल का फंक्शन है जिसमें बैटरी का है, ABS का है, माल फंक्शन का है, वो सारे फंक्शन आपको ऊपर मिल जाएंगे। और जो मीटर डिजिटल मीटर है वहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक का आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, ट्रिप की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर जो मैंने आई बटन बताया था इसको क्लिक करेंगे तो आपको टाइम की ऑप्शन आ गई है, उसके बाद ऑडो रीडिंग की ऑप्शन आ रही है, और ट्रिप 1 ट्रिप 2 की ऑप्शन भी आ रही है। यहाँ पर आपको मेक इट यूएस के थ्रू आप ट्रिपल नेविगेशन इसमें ऐड करवा सकते हो, जिसमें 5 ईयर एक्स्ट्रा लगेंगे आपको, वो कस्टमाइज बुकिंग के थ्रू लग के आ जाएगा। और अब बात करते हैं इसके हम फ्यूल टैंक की, जिसकी मैं पहले भी आपको इससे बात कर रहा था। फ्यूल टैंक जो है आपको 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। जैसे कि आपको ये जो सेंटर पार्ट है फ्यूल टैंक का, ये आपको ग्लॉसी में मिलने वाला है, और वह उसके साइड वाला जो पार्ट है आपको मैट कलर में मिलने वाला है। ये जो आपको स्ट्रेपिंग है ये आपको गोल्ड कलर में नहीं मिलेगी इस बाइक की, आपको ये स्टेपिंग आपको कॉपर कलर में मिलने वाली है। अब साइड में आएंगे इसके तो आपको साइड वाला भी ग्लॉसी में मिलने वाला है, यही स्टेपिंग आपको साइड में मिलेगी, नीचे से फिर मैट कलर मिलेगा। अब ये जो बैजिंग है प्रीमियम बैजिंग, क्राउन विंग लोगो जिसे कह देते हैं, ये आपको प्रीमियम बैजिंग मिलने वाली है। यहाँ से देख भी सकते हो शाइनिंग कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड ब्लैक कलर मिलेगा, क्राउन आपका लोगो मिल जाएगा। तो बहुत ही लुक्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी लुक लग रही है बाइक की। यहाँ बात करें अगर इसके इंजन की, तो J1 सीरीज़ का आपको इंजन मिलने वाला है। आगे UCE इंजन आता था, अब वो डिस्कॉन्टिन्यू हो चुका है, तो J1 सीरीज़ का इंजन मिलेगा। टॉप मॉडल का जो आपको इंजन मिलेगा पूरा ऑल ब्लैक मिलेगा, सिर्फ ये फिन्स की कटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में मिल जाएगी।
नहीं तो बाकी पूरा ब्लैक कलर में है। आपको 349 cc इंजन और मैक्सिमम पावर जो है 20.2 bhp और टॉर्क जो मिलेगी आपको 27 Nm की टॉर्क मिलने वाली है। इंजन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा इंजन है, रिफाइंड किया हुआ इंजन है। मतलब पहले ये बिटियोर में आया, इतना सक्सेसफुल इंजन था तो क्लासिक में आ गया, क्लासिक के बाद उसका हंटर में आया, वही इंजन अब बुलेट में आ गया। तो आप यहाँ से कह कर सकते हो कि इसका इंजन कितना बेटर है और सक्सेसफुल है कि अगर ये बुलेट सीरीज में भी आ चुका है। उसके बाद हम बात करें अगर इसके फ्रेम की, तो आपको ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम मिलने वाला है इसमें, जो कि आगे जैसे कि मैं बता चुका हूँ मिटियोर, क्लासिक और हंटर तीनों में ये फ्रेम आ चुका है, तो अब बुलेट में भी आ गया, जिससे इसको बॉडी का वेट, इंजन का वेट डिवाइड अच्छे से हो गया और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो राइडिंग के लिए बहुत ही स्मूथ हो चुकी है ये बाइक। अब ब्रेक पैडल की बात करें या गियर पैडल की बात करें, तो वो आपको जो है ब्लैक कलर में ही मिलने वाला है। ये मेरी एसेसरी का फुटपैक लगाया है इसमें, नहीं तो नॉर्मल फुटपैक ही मिलेगा जो आपको क्लासिक में मिलता है। साइड स्टैंड आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है इसका। बात करें साइड बॉक्स, जो थ्रॉटल बॉक्स है, थ्रॉटल बॉक्स कवर है, वो आपको ग्लॉसी कलर में मिलने वाला है, रेक्टेंगल शेप में। साइड बॉक्स जो है, टूल बॉक्स, फिल्टर बॉक्स हो गए, वो आपको इनर पार्ट जो यहाँ से आपको प्लास्टिक का मिलेगा, यहाँ से आपको मेटल का मिलेगा। ये आपको मैट और बीच में ग्लॉसी कॉम्बिनेशन, वही बुलेट वाला लोगो, आगे जो 3D लोगो था उससे भी बेटर मोटा और प्रीमियम लोगो लगा दिया गया है यहाँ पर, आप वो चेक भी कर पा रहे हो। और अगर बात करें यहाँ से हम सीट की हम यहाँ कुशनिंग की बात करें, कुशनिंग बहुत ही अच्छी है, 805 mm की आपको सीट हाइट मिलने वाली है इस बाइक की। अब यहाँ से हम बात करें अगर सारी गार्ड, आपको ग्लॉसी कलर मिलने वाला है, ब्लैक कलर में मिलेगा आपको। सस्पेंशन आपको क्रोम में मिलने वाले हैं इस बाइक के, 6-स्टेप एडजस्टेबल शॉकर मिलेंगे। रियर जो मडगार्ड है आपको इसका मैट कलर में मिलने वाला है, रियर मडगार्ड आपको यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की बैरिंग मिलने वाली है कॉपर कलर में। और इसके अगले चेंज देखें तो ये आपको बैकलाइट जो है वो चेंज देखने वाला है, मतलब राउंड बैकलाइट मिलने वाली है आपको, हैलोजन बल्ब्स के साथ आपको बैकलाइट हो गया, टेल लाइट हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ मिलने वाले हैं। मडगार्ड की जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी कर दी गई है, मडगार्ड की लेंथ मतलब थोड़ी सी ऊंची मिलेगी आपको। और रियर टायर जो आपको 120/80 का 18 इंच का टायर मिलने वाला, टायर का साइज छोटा कर दिया, बल वाइड चौड़ा ज़्यादा कर दिया गया है। और आपको डुअल चैनल में मिल रही है अब ये बाइक, 270 mm की आपको रियर डिस्क मिलने वाली है, ब्लैक कलर का आपको इसका स्पोक व्हील मिलेगा आपको। और टायर आपको मैं बता चुका हूँ ट्यूब वाले होंगे दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लुक, बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर बात करें अगर एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट आपको ब्लैक कलर का मिलने वाला है, प्योर ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट मिलेगा, जैसे आपको स्टेल्थ ब्लैक और गन मेटल में मिलता है। मैं आपको इसका एक बार एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ दोस्तों। ये जो एग्जॉस्ट साउंड है, ये आप जो सुन रहे हैं ये आइडल स्पीड पे है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको रेस देके थोड़ा एक्सेलरेट करके भी इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लीयरेंस आपको 170 mm का मिलने वाला है, वेट इसका 195 kg मिलेगा आपको। दोनों डुअल चैनल ABS तो आपको यहाँ पर रियर ब्रेक ऑयल मिल जाएगा दोस्तों इसका, यहाँ पर वही थ्रॉटल कवर मिल जाएगा ग्लॉसी में, रेक्टेंगल शेप में आपको। और इसमें कुछ एसेसरीज भी लगा रखी है मैंने, जैसे कि इसकी एसेसरीज ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब फुट पैक इसमें लग सकते हैं, सीट टूरिंग सीट लग सकती है आपको, GMM में लेग गार्ड लगवा सकते हो, सम्प गार्ड लगवा सकते हो, एंड बार मिरर लग जाएंगे, वाइजर लग जाएगा, विंडशील्ड लग जाएगी आपको इसमें, और बैकरेस्ट भी लगवा सकते हो। तो जो क्लासिक और मिटियोर में एसेसरी की ऑप्शंस थी, तो वो अब बुलेट में भी है। आप जितनी आपको लुक्स इसकी जितनी बेटर करनी है, एसेसरी लगवानी है, वो लगवा सकते हो। सीट कवर भी इसी मिल जाते हैं आपको इस बाइक के। तो टोटल मिला के बहुत अच्छी बाइक से, बुलेट सीरीज़ की टॉप मॉडल की बाइक है। अब प्राइस की बात करेंगे इसके बाद, उसके बाद आप मुझे बताना कि आपको क्लासिक सीरीज़ की टॉप मॉडल बाइक अच्छी लगती है, जब मतलब किससे आपको इसका कंपैरिजन करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका कंपैरिजन स्टेल्थ ब्लैक से है, और आपको कौन सी लेनी चाहिए बाइक वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो चलिए आपको एक प्राइस की बात करते हैं, तो इसकी आपको शोरूम प्राइस जो है 215,801 रुपये शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड प्राइस जो है इसकी 2,48,000 आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है इस बाइक की। और आप अगर एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हो, वैल्यू एडेड सर्विसेज काफ़ी मिल जाती हैं, RSA हो गया एक्सटेंड करवाना चाहते हो, एसेसरी लेग गार्ड हो गए, सम गार्ड, वो चीज आप अलग से ले सकते हो। 248 का आपको ऑन रोड प्राइस मिलेगा इसका, 2.48 का। और कैंटीन प्राइस की बात करें तो अभी तक स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्ड ब्लैक, जो स्टैंडर्ड मैरून मिड मॉडल हो गया, या
वेस वेरिएंट हो गया, मिलिट्री ब्लैक या मिलिट्री रेड, उनका कैंटिनेट जरूर आ चुका है, पर इस बाइक का भी कैंटिनेट नहीं आया है दोस्तों। पर उम्मीद की जा रही है कि न्यू ईयर में इसका कैंटिनेट भी आ जाएगा, तो ये भी कैंटिनेट अवेलेबल हो सकती है। लगभग लगभग बहुत चांस हैं, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही है इसके CSG में अवेलेबिलिटी के लिए। अब साथ में कंपनी क्या दे रही है, आपको एक हेलमेट देगी दोस्तों, और RS साथ में देगी, एक या तीन साल की आपको वारंटी देगी कंपनी 30,000 किलोमीटर तक, और 4 फ्री सर्विसेज जिसमें लेबर फ्री है वो आपको साथ में देगी कंपनी। अब बात कर रहे थे प्राइसिंग के हिसाब से, स्टेल्थ ब्लैक जो है, क्लासिक स्टेल्थ ब्लैक जिसमें आपको अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, उसकी प्राइसिंग इससे तकरीबन 6,000 महंगी है, पर आपको उसमें अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। वो टोटल एक तरह से पूरी तरह ब्लैक है इसमें, जिसमें हैंडल हो गया, सस्पेंशन हो गए, रियर साइड हो या फ्रंट साइड हो या इंडिकेटर्स हो, ये आपको क्रोम में मिलेंगे। हेडलाइट रिंग तो दोनों में ही सिल्वर मिलती है। तो कई चाहवान दोस्त हैं जिनका मतलब बुलेट में मन था, मतलब 40+ एज वाले हैं बुलेट से, वो अभी बुलेट में उनका शौक है, बुलेट शौक है, तो वो बुलेट 350 ले सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूल टैंक और वो डिज़ाइन देखें, सीट सिंगल सीट की ऑप्शन देखें, तो बुलेट सीरीज़ बहुत ही अच्छी है। बस आपको 6,000 का प्राइस का डिफरेंस है वो ले सकते हैं, जिसको सीट के डिफरेंस नहीं पड़ता है, जो ज़्यादा विश्वास रखते हैं अलॉय व्हील वाली गाड़ी में, तो वो स्टेल्थ ब्लैक ले सकते हैं। दोनों ही बहुत बढ़िया ऑप्शन है, रीसेल वैल्यू दोनों की ही बहुत बढ़िया होगी। अभी ये न्यू आई है मार्केट में, तो इसकी रीसेल वैल्यू के बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, पर लुक्स के हिसाब से बहुत ही सुंदर है वो, रॉयल बुलेट, मतलब एक तरह से इसको हम कह सकते हैं रॉयल बुलेट, रॉयल एनफील्ड की रॉयल बुलेट बाइक है ये। तो आपको कुछ समझ नहीं आया है वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट में पूछो दोस्तों, प्राइस के बारे में या इस बाइक के बारे में या एसेसरीज होगी या कुछ आफ्टर मार्केट बारे में पूछना, जो मैंने काफ़ी आफ्टर मार्केट वीडियोस भी डाल रखे हैं, आप चेक कर सकते हो, और कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करो, और वीडियो को लाइक जरूर करो दोस्तों। आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर करो, उतने ही मेरे दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचेगी, जिसके डाउट है कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, बुलेट की टॉप सीरीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और भी बाइक्स के साथ और बाइक्स के रिव्यू के साथ। तो ठीक है, थैंक्स, बाय बाय।